करिए, ये जाम बिल्कुल गलत है, जाम नहीं लगाएंगे। साहब जी हम चार बार जा चुके हैं, ये आप बता दो। वो आप ठीक है, आज हम बैठे करवा देंगे आपकी। आप जाम खोलिए, आप यहाँ तक बुलवा दो, हम जाम खोलिए। नहीं यहाँ आप पहले उठिए, मैं बुलवा दूँ पहले, आप जाम खोलिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सीताराम निलोदी है। क्या समस्या है आज आप लोग धरना यहाँ पर? बहुत पानी भरा हुआ है बाढ़ के अंदर, कोई सुनवाई नहीं है। नेता आते हैं, सांसद आ रहे हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, रोड बनेगी, पानी का निकास होगा, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, जेड़ों में गंदा पानी आ रहा है। कितने समय से ये समस्या बनी हुई है? करीबन बहुत परेशानी हरदम ही रह रही है, एक साल से तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई। आज आप लोग चक्का जाम करने पर आते हुए हैं, क्या बड़ी समस्या हल पड़ी है? बड़ी समस्या इसलिए है, ये हमारी गली में पानी भरा हुआ है, काफी लोगों को परेशानी है और मकानों में पानी भरा है, कई भैंस बीमार हो चुकी है और दीवारों में दरार हो गई है, काफी परेशानी आ रही है, जनता भी नहीं निकल पा रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उस चक्कर में मैं चक्का जाम लगा रहा हूँ, सब लोग चक्का जाम लगा रहे हैं। क्या नगर निगम में अभी हाल ही में नवनिर्वाचित महापौर सभापति बने हुए, विकास के कई वादे किए थे, क्या साफ सफाई हुई या नहीं हुई? के कारण है, जिसके कारण घरों तक पानी जा रहा है, जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वो क्या एक नाला है, नाले की वजह से पूरा पानी जा रहा है। कई बार हमने निगम में सभी अधिकारियों को आवेदन दिया पर कोई सुनवाई नहीं अभी तक हुई है। बारिश से पहले किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं थी? कोई तैयारी नहीं थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।